नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चैनल पे। 5 शेयर्स 300 सीरीज में आज वीडियो डाल रहा हूँ। काफी 2-3 दिन का गैप हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हम लोग इसको। और आज के 5 शेयर्स आप देख सकते हैं, मेरे 5 शेयर्स जो मैंने बाय किए हैं, प्लस साथ में आज मारुति ने काफी जंप लिया जो मेरा प्रोफाइल। देखिए, मैंने अपना पैटर्न बताया कि शेयर मार्केट मुझे जो दिखता है साइन वेव जैसा दिखता है, तो जब भी वो नीचे जाता मैं उसमें ऐड करता हूँ मेरे एनालिसिस के हिसाब से, और जब वो ऊपर जाता है मुझे प्रॉफिट होता है। जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आपको शेयर मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको एक प्रॉफिट का टारगेट रखना पड़ेगा कि भाई आपको 10% चाहिए, 20% चाहिए, 50% चाहिए, जो भी है। कोई भी आप म्यूचुअल फंड उठा लीजिए, इंडेक्स फंड उठा लीजिए, वो 15% ऑन एवरेज बोलते हैं। तो आप चाहें तो आप 15% का रख लीजिए कि आपका 15% स्टॉक होगा, आप उसको बेच देंगे। ये मेरा थॉट है, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा एक होता रहता है डिस्कशन जिसमें लोग बोलते नहीं मैं 4-5 साल तक रखेंगे तभी फायदा है। जहाँ तक मुझे लगता है रखना चाहिए लॉन्ग टर्म पे, ऐसा नहीं कि मैं मारुति निकाल दिया। मारुति मेरे पास इससे ज्यादा है एक्चुअली, तो मैंने एक परसेंटेज निकाला है उसका अभी फिलहाल, क्योंकि मारुति में बहुत स्कोप है। काफी दिनों से मारुति डाउन भी चल रहा था, नीचे 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 ही था, और अभी मार्केट अच्छा है, मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने निकाल दिया, मेरे को प्रॉफिट चाहिए भाई। तो मेरा वो मानना है, बाकी आपके मर्जी है आप कैसे जाना चाहते हैं। अब देखेंगे कि जब मैंने बेचा तो उसमें भी मुझे फायदा ही हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा है उससे नीचे गया जिस प्राइस पे मैंने बेचा। हो सकता है दिन भर में शाम भर में वो वापस उससे ऊपर भी चला जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं, मारुति का मैंने खत्म कर दिया। मेरा मानना है 5 शेयर 300 डेज के, अगर मैं आप पुराने वीडियो देखेंगे तो मैं प्रॉफिट बुकिंग पे विश्वास रखता हूँ। अगर मैंने डिसाइड किया 5% का टारगेट और 5% का टारगेट मुझे नेक्स्ट डे मिल जाता है, मैं बेच दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे 5% लेके निकल जाना है। मेरा पैसा मेरे हाथ में आ गया और मैं उससे नए शेयर में बाई कर लूंगा जो मुझे लगते हैं कि आगे प्रॉफिट देंगे। तो आज अगर हीरो मोटर कॉर्प को देखें तो ये भी अच्छा खासा बढ़ा है, 2 से 3% का एक ही दिन में जंप लिया है। यस, मैंने जब बाई किया तब हायर था, ऑलरेडी मेरे पास ये स्टॉक है, लेकिन फिर भी मैंने इसको डबल कर दिया, ठीक है। और इसके साथ ही मेरे एक सेकेंड प्लीज, थैंक यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अपोलो टायर, मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल है, अपोलो टायर नहीं था, बीच में मैंने प्रॉफिट बुक करके इसको हटा दिया था। कई कंपनीज आपको पहली बार देखेंगी, ये स्टॉक आपको पहली बार दिखेगा, GAL गुजरात है, ये आपको पहली बार दिखेगा, मोटर कॉप, टाटा स्टील आप पहली बार। चलिए मैं इन दोनों कंपनी की बात करता हूँ, ये सब मैंने ले लिया है। आज हम इसको देखते हैं कि इसका क्या एनालिसिस बोलता है फंडामेंटल में। तो अगर आपको स्किप करना है या वीडियो आपको बंद करना है तो आप बंद कर सकते हैं, ये मेरे 5 के रिकमेंडेशन है, आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। बट हम लोग चलो एनालिसिस करते हैं कि GAL और आशा इंडिया का क्या चक्कर है। आप में से कई, मैं गारंटी लेता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि आप में से कई ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये स्मॉल कैप कंपनी है, एग्रो प्रोडक्ट्स में काम करती है, और अब हम CAGR 13.73% से रिटर्न दिया इस कंपनी ने, और फर्स्ट ईयर रिटर्न आप देख लो 39 वन ईयर रिटर्न, पिछले एक साल का रिटर्न इसने 39 पॉइंट दिया, 1 मंथ का 28.17 है। तो डेफिनेटली ये अच्छा टाइम है, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर ग्राफ देखोगे तो ग्राफ ऐसे जा रहा है इसका नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने बहुत ज्यादा पीक ऑलरेडी पकड़ा है। आज भी ये देखोगे तो 7% के हिसाब से आज बढ़ा है एक दिन में। यस, माफी चाहता हूँ, ये पहले भी लिखा था मैंने, लेकिन मैं प्रोडक्ट में ला नहीं पा रहा था मैं कई, लेकिन बहुत पहले लिया था मैंने इसको, अब मैं 2-3 महीने पहले, लेकिन वो कभी भी शेयर में 5 शेयर वाले जब वीडियो बनाने की बात आई तब नहीं हो पाया था। तो फोरकास्ट देखें, मैंने तो आज बाई कर लिया है, बट चलो हम देख लेते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। कुछ नहीं कह रहे, क्यों? क्योंकि मिड कैप में है। फाइनेंशियल में आप देख लेना, पीस में अगर मैं देखूं इनकी बात करूं तो पीस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, देखना कि क्या हो रहा है। देखो, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट और एवेंटी नेचुरल है, मेनोरमा है इंडस्ट्रीज, ये दोनों को आप सर्च मार सकते हो। देखिए, गोदरेज एग्रोवेट तो ऑलरेडी हम लोग कई बार, एक दो बार पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आप पुरानी वीडियो देखोगे तो गोदरेज एग्रोवेट, और इसका डिविडेंड काफी अच्छा है, तो मैं डिविडेंड के कारण ये हमेशा लेता हूँ स्टॉक। जैसे अगर अभी मुझे गोदरेज दिखा है ना, तो मैं चाहूंगा कि मैं गोदरेज को यहाँ पे ऐड करके रख लूँ, गोदरेज एग्रोवर्ट को, क्यों? क्योंकि मुझे डिविडेंड में मजा आ रहा है यार, सही में मजा आ रहा है डिविडेंड में। रोज आपको कुछ ना कुछ पैसे आ जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में, तो क्या फर्क पड़ता है ना एक्स्ट्रा। शेयर मार्केट को कहीं भी जाने दो, आपको पैसे आ रहे हैं घर में फिर भी, तो वो आपका बहुत बड़ा फायदा है। वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा अर्निंग, वॉरेन बफेट ने कभी भी पैसा डाला कभी निकाला ही नहीं, कोई शेयर बेचा ही नहीं। मैं वॉरेन बफेट नहीं हूँ, ठीक है, मैं प्रॉफिट बुकिंग पे जाता हूँ, बट उनका इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, शुरू में वो खरीदते बेचते थे डेफिनेटली, उसके बाद एक
एक इन्वेस्टमेंट पे पहुंच गया कि आज के टाइम पे उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनका घर कैसे चलता है? डिविडेंड से। उनको इतना डिविडेंड आता है कि उससे उनका काम हो जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शेयर कहाँ जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, और वो शेयर को आपस में बेच के निकाल के उसी में डालते रहते हैं और डिविडेंड से अपना घर चलाते हैं। सो इसीलिए डिविडेंड वाली कंपनी में डालना भी अच्छा रहता है। मेरे पास वन स्टॉक है आपके सामने ही, मैं वन इसको बाई कर लेता हूँ, जस्ट डबल कर दे रहा, ठीक है, मेरा डिविडेंड का स्टॉक हो गया। तो आप अब देख सकते हैं कि छठवा है अभी, ये एक नया चालू करूंगा मैं कि डिविडेंड वाले स्टॉक भी मैं ऐड करता जाऊंगा, और मैं वो स्टॉक्स भी ऐड करता हूं अपने पोर्टफोलियो में जिनका डिविडेंड आया है। ये वैसे आज ले लिया, गलती कर दी मैंने अभी नहीं लेना चाहिए था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं उसको अपनी लिस्ट में रखूंगा कि वॉच सीरीज में रखूंगा और उसको एनालिसिस करने के बाद ही लूंगा। चलो फिर भी ठीक है, एक ही लिया मैंने। अभी हम लोग इसमें चलते हैं एनालिसिस में, जो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ये हमेशा देखिए कि लोग क्या सोच रहे हैं इस कंपनी के में। प्रमोटर सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपने आप से कंपनी को नहीं जाने दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का घटा है इन्होंने, लेकिन फिर धीरे 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 अभी थोड़ा बढ़ रहा है, स्लो बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। शुरू में बहुत ज्यादा उम्मीद थी बट नहीं है, लेकिन अब वापस ये बढ़ा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में। अब मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन में देखूंगा, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफी पैसे डाल दिए हैं गुजरात में, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। आप इस कंपनी के बारे में जाके पता भी कीजिए, आप देखिए कि इनका बिहेवियर कैसा है, ये क्या काम कर रहे हैं, किस चीज़ों में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें काफ़ी पता चलेंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। GAEL has increased dividend consistently over the last 5 years, यानी इनके डिविडेंड भी ये हमेशा बढ़ाते रहे। Currently dividend yield is 0.8% and investment of 1000 in the stock is expected to generate dividend of 2.75 rupees. यानी अगर आप 1000 रुपए डालते हो तो आपको 2 रुपए का डिविडेंड हर साल मिलेगा बिना कुछ किए भी। अगर आपका स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको मिलता रहेगा। तो आप यहाँ पे पिछला भी देख सकते हैं, 2017 में 0.80 था, 0.90 है, 1 है, 1 है, और 0.60 21 में उन्होंने कम किया है। लेकिन ये पूरी हिस्ट्री है, आप इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं। फोरकास्ट का आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने तो अभी बाई कर लिया मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में, आप उसको देख भी सकते हैं। साथ में अब चलते हैं दूसरे शेयर के बारे में जो आज मैंने ऐड किया है। कई लोगों को ये शेयर शायद नहीं पता होगा तो इसीलिए मैं इसको डालना चाह रहा था कि आप देख सकें। आशी इंडिया ग्लास लिमिटेड, इनका 1 मंथ का रिटर्न 9% है, 1 ईयर का रिटर्न 51% है। ये शेयर मैंने पहले कभी नहीं खरीदा था, ये पहली बार ले रहा हूँ, तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें भी। तो 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं कि 51% इसने दिया है पूरा, और आज में ही इसने 8% के हिसाब से जंप लिया है। यहाँ पे फोरकास्ट देखेंगे तो 100% बाई है, लेकिन ये दूसरा 100% है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे तो केवल 3 लोगों ने किया है। तो ये जितने ज़्यादा लोग हों उतना ज़्यादा फायदा होता है। हम इनके पीर्स में जाते हैं कि इनके पीर्स में कॉम्पिटिटर में कौन कौन है। आशी इंडिया ग्लास लिमिटेड है, समरवर्धन है, बॉश लिमिटेड है, और ओहो सभी हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा दे रहा है डिविडेंड 1.52 बॉश। सो बॉश मेरी वॉच लिस्ट में जाएगा आज, बिकॉज मैं जो कंपनी मैंने खरीदी है उसके पीर को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके साथ वाले क्या काम कर रहे हैं। तो होल्डिंग्स जो मैंने बोला कि बहुत बड़ा फैक्टर है, आप चलो आप ऑन एवरेज तो निकाल सकते हो ना कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग अगर जो अच्छे इंस्टीट्यूशन अगर वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं तो आप भी उसको देख सकते हो। तो हम लोग टोटल प्रमोटिंग होल्डिंग में जाते हैं, सेम रखा हुआ उन्होंने, थोड़ा सा घटाया लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। अनप्लेस्ड 49.69 है, प्लेस्ड 4.8% है, 50.94 है, प्लेस्ड 3.30 है, ठीक है। अब हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं, म्यूचुअल फंड बढ़ा है, अब देखेंगे दिसंबर से तो बढ़ा है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो डोमेस्टिक में घटा है, ठीक है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन में अगेन मतलब पिछले साल के कंपेरिजन में 0.01% घटा है, बट ठीक है, नॉट बैड, क्योंकि ओवरऑल उन्होंने बढ़ाया है, आप देखेंगे 20 के हिसाब से। अभी ये तो हो गया इसके बारे में, आप इस कंपनी के बारे में जरूर जाके पता करिए कि क्या करती है क्या नहीं करती है, तो वो ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएगी। साथ में अगर आप पी रेशियो देखिए तो 30 पॉइंट, एनालिस्ट तो आपको 100% ही बोल रहे हैं, कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पे दिखी गया है। मैं क्या देखना चाहता था, हाँ चलो, वन डे का इनका रिटर्न इतना है, 1 वीक का 14% है, 1 मंथ का इन्होंने रिटर्न दिया है 9%, 1 ईयर का रिटर्न है 52%, 5 ईयर्स का रिटर्न हम अगर इनका देखेंगे तो 100% है, यानी 5 साल में इन्होंने पैसा डबल कर दिया है। लेकिन उस कंपेरिजन में अगर 1 ईयर का देखेंगे तो 52%, जिसने 1 साल पहले डाला पैसा उसने अच्छा खासा ग्रोथ किया है। प्लस अगर आप 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो ये ऊपर नीचे होते गया है ऐसे,
और फिर अभी ऊपर जाके अभी ये नीचे के लिए आ रहा है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको यहाँ पे चार्ट में देखे समझाने की कोशिश करूँगा कि मेरा बाइंग पैटर्न क्या है। मैं ये पोर्शन पे आया, आप मान लीजिए 485 पे आया और मेरा स्टॉक फिर पहुँच जाता 556। अगर मुझे 10% प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं यहाँ पे बेचूँ क्यों ना, क्यों ना बेचूँ, मैं इसको होल्ड करके क्यों रखूँ, मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ। और उसके बाद स्टॉक अगर नीचे आता है और मुझे पैटर्न में दिखता है कि उसको लेना चाहिए तो मैं वापस उसको ले लेता हूँ। क्योंकि अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिया, चलो यहाँ पे भी ले लिया, तब भी मेरे इस प्राइस से तो बेटर है ना, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे लेके क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लो अभी आपने यहाँ पे लिया है, आप बोलते हो 5 साल का वेट करना है, यहाँ पे लिया, चांसेस होंगे कि मैं यहाँ पे बेच चुका हूँगा उसको, फिर मैंने यहाँ पे बाई किया होगा, फिर मैंने यहाँ पे बेचा होगा, फिर यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ पे बेचा होगा, बट एवरेज अगर निकालेंगे तो चांसेस है कि बन जाए। ये मेरा तरीका है प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने का, बाकी आपकी मर्जी है। तो आज का बंद करते हैं सेशन, और 5 शेयर्स मेरे यही हैं, आपके सामने हैं मैंने क्या लिया है। मारुति आज मैंने निकाल दिया है, हाफ निकाले हैं, मैंने पूरा पोर्टफोलियो ख़त्म नहीं किया मारुति का। अपोलो टायर मैंने बाय किया है, आशा इंडिया निकला है, गोदरेज एग्रो है, हीरो गोदरेज अंबुजा है, सॉरी गुजरात अंबुजा मैंने लिया है, हीरो मोटर्स लिया, टाटा स्टील लिया है। ये मेरे 5 रिकमेंडेशन है, आप इसको ले सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो।